हाँ भाई, सो लास्ट क्लास तक हमने शेयरिंग तो नहीं किया था. हमने देख लिया था एनर्जी लॉस कैसी होती है जब आप एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करोगे. सो आगे बढ़ने से पहले इसमें मेरिकल को सॉल्व करता है. इसमें बस एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने आपको पोलराइजेशन में सिखाया था कि अगर एक स्लैब को आपने पोलराइज कर दिया तो यहाँ पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी आती है सिग्मा पी. सिग्मा पी पोलराइजिंग चार्ज डेंसिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स ये गिवन है आपको. यहाँ जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है ये वाला, ये इंड्यूस चार्ज है. इंड्यूस चार्ज ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्यू इंटू वन माइनस वन बाई के. एक बार क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई, फिर हम स्टार्ट करेंगे. इस क्वेश्चन को पढ़िए, ट्राई कीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे. इसको पढ़िए, एटलीस्ट स्टार्ट करिए इसे. इंड्यूस लिखा है शुजात, इंड्यूस्ड. क्वेश्चन पढ़ लिया होगा. देखिए, आपको दिया क्या है, एक लिक्विड है, कैपेसिटर गिवन है, एक पॉजिटिव प्लेट है, दूसरी प्लेट को लिक्विड में डिप कर दिया. लिक्विड का लेवल कुछ राइज करेगा, पूछ रहा है लिक्विड का लेवल. मान लो पहले लिक्विड यहां तक था, जैसे ही आपने कैपेसिटर की प्लेट्स को चार्ज किया लिक्विड का लेवल ऊपर तक राइज कर गया. कह रहा है ये हाइट कितनी है, जितनी हाइट तक लिक्विड का लेवल राइज कर रहा है वो हाइट कैलकुलेट करके बताओ. प्लेट एरिया ए है, तो देखो यहाँ, अब यहाँ राइज होने का रीजन समझो. एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ये प्लेट अपनी फील्ड जनरेट करेगी. ये जो आपने लिक्विड डाला है, कंसिडर दिस लिक्विड एज अ डाइलेक्ट्रिक. मैं लिक्विड में यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, जो नेगेटिव चार्ज उसने दिया हुआ भी है क्यू वन माइनस वन बाई के. यहाँ फील्ड होगी, जो फील्ड ये पॉजिटिव प्लेट भी जनरेट करेगी, जो फील्ड ये नेगेटिव प्लेट भी जनरेट करेगी. फील्ड का डायरेक्शन ये होगा. अब आपने पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक नेगेटिव चार्ज रख दो तो नेगेटिव चार्ज फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है. तो यहां भी यही होगा कि ये आपने लिक्विड लिया, इस लिक्विड को जैसे ही आपने प्लेट्स के बीच में रखा, लिक्विड एक तरफ से कुछ चार्ज इंड्यूस हो गया, लिक्विड में माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया. तो इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से लिक्विड एक अपवर्ड्स नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. डाउनवर्ड्स लिक्विड का वेट एक्ट कर रहा होगा और धीरे 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 लिक्विड का लेवल राइज होना शुरू होगा. जैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स इस वेट को बैलेंस कर जाएगी, योर सिस्टम वुड बी इन इक्विलिब्रियम. इन इक्विलिब्रियम आपका लिक्विड रुक जाएगा. सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, और नॉट इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए आपको. ये जो सीडी पोर्शन है ना, यहाँ फील्ड चाहिए, यहाँ सीडी पोर्शन के ऊपर फील्ड चाहिए.
सी डी। तो देखिए सी डी पोर्शन पर ये ऊपर वाली भी फील्ड जनरेट करेगी जो डाउनवर्ड्स होगी। नीचे जो नेगेटिव फील्ड है, नेगेटिव प्लेट है, इस नेगेटिव प्लेट भी फील्ड जनरेट करेगी जो डाउनवर्ड्स होगी। पॉजिटिव फील्ड जनरेट करती है अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव फील्ड जनरेट करती है टूवर्ड्स द चार्ज। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई प्लस प्लस ई माइनस। दोनों फील्ड्स का डायरेक्शन सेम है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, दिस इज ई प्लस प्लस ई माइनस। फील्ड सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ये आएगा सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय टू के एप्सिलॉन नॉट। रीजन सिर्फ इतना है कि ये नेगेटिव प्लेट जो है वो डायलेक्ट्रिक में रखी हुई है, तो डायलेक्ट्रिक में फील्ड के टाइम्स हो जाएगी। सो द नेट फील्ड विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन, टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, ये बच गया वन प्लस वन बाय के नाउ। सो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, इट्स के प्लस वन डिवाइडेड बाय के। सिग्मा को आप लिख सकते हो चार्ज अपॉन एरिया, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज सिग्मा इज क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट के प्लस वन बाय के। अब अगर यहां पर फील्ड आ गई क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट के प्लस वन बाय के, तो आप इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, क्यू इंड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय ई। क्यू इंड्यूस्ड ये दिया है क्यू इंटू वन माइनस वन बाय के। सो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगी, इट्स क्यू इंटू वन माइनस वन बाय के मल्टीप्लाइड बाय फील्ड ई। तो इसे मैं कहता हूं फर्स्ट इक्वेशन, इसे मैं कहता हूं सेकंड। क्यू आई है क्यू इंटू वन माइनस वन बाय के, इसे कहता हूं मैं थर्ड। तो मैंने सिर्फ वन और थ्री को टू में रख दिया। तो जब आप ये सब्स्टिट्यूशंस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया क्यू इंटू वन माइनस वन बाय के, फील्ड की वैल्यू रख दीजिए, फील्ड है क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट और इससे इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए के प्लस वन बाय के। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है जिस पर एक्ट कर रही है इन अपवर्ड्स डायरेक्शन। जब आप इक्विलिब्रियम में लोगे, इन इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फोर्स वेट को बैलेंस कर देगी। सो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फोर्स वेट क्या होगा, एम इंटू जी। मास को आप लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो देखो इतने रीजन का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए, हाइट कितनी ऊपर गई है एच, ये है ना जो एक्स्ट्रा गया, जो पोर्शन ऊपर उठाया उस वो इतना है। इतने पोर्शन का वॉल्यूम कैसे आएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट इनटू डेंसिटी रो इनटू जी। इलेक्ट्रिक फोर्स की यहां से वैल्यू उठा कर रख दो, सो इट्स क्यू स्क्वायर बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया वन माइनस वन बाय के और ये हो गया के प्लस वन बाय के ए एच रो जी। तो यहां से आप एच निकाल सकते हैं। चलिए इतना लिखिए, फिर कुछ थ्योरी करेंगे। इतना लिखो जल्दी से, फिर कुछ थ्योरी करेंगे। इतना हो जाए तो बताओ मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं। एचसी वर्मा का सॉल्व क्वेश्चन है वजह,
नहीं, शायद ये स्कूल एग्जाम्स के लिए नहीं है। इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, एक चीज और भी है। देखिए, अगर आप सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी जो टेक्स्ट बुक होती है दैट इज एनसीईआरटी। मींस ये बुक आपको पूरी तरह से आनी चाहिए, इसमें कुछ भी ऐसा ना, हेल्प बुक्स की जरूरत पड़ेगी आपको, एसएल की जरूरत पड़ेगी आपको। हेल्प बुक्स की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। मतलब आप चीजें तब समझ में आएंगे जब आप मल्टीपल टाइप एक ही तरह के कई क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो उसके लिए एक ठीक ठाक बुक है एसएल अरोड़ा, अच्छे न्यूमेरिकल्स का कॉम्बिनेशन है इसमें। लेकिन अगर आप एंट्रेंस के लिए कर रहे हो, चाहे आप जेई के लिए कर रहे हो या आप नीट के लिए कर रहे हो, जो बेसिक बुक होती है ना वो आपके, दैट्स एचसी वर्मा। एटलीस्ट इसकी थ्योरी, इसके न्यूमेरिकल्स आपको सारे आने चाहिए। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इसके जो नीट वाले बच्चे स्किप कर सकते हैं, लेकिन 80% तो होना चाहिए, प्लस आप प्रीवियस ईयर्स कर लो। बाकी जो कुछ भी है ना, पहले इसको सॉल्व कर लो फिर प्रीवियस ईयर्स करने बैठो, तो तुम्हें अंदाजा लग जाएगा ओके तुमने जो पढ़ा है उसके बेसिस पर तुम प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते। ये बेसिक है, मतलब इतना आप कर लो तो अच्छे खासे चांसेस होते हैं क्रैक करने के। बाकी जो बुक्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो जो संडे वाला मैं टेस्ट डालता हूँ, हर संडे एक टेस्ट आप सब लोगों के अकाउंट में एक्टिव हो जाता है, उस टेस्ट में आपको बाकी क्वेश्चंस मिलते चले जाएंगे। और यही तरीका होता है, मैं आपको 5 बुक के नाम बता दूं आप वर्कआउट भी नहीं कर पाओगे। और इसमें ये एनसीईआरटी का ना एग्जाम्पलर और है, एग्जाम्पलर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, एक चैप्टर के 5 क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस, ये आपकी टेक्स्ट बुक है। और अब तो इतना टाइम होता है कि तुम एचसी वर्मा जो 11th नहीं सॉल्व हो पाई थी, 11th में जो बच गई थी उसे का डालो, और टाइम है तुम्हारे पास तो पढ़ो। हाँ ज्यादा ऐसी होता है, जब आप 10th से 11th में आते हैं ना तो एकदम से स्टैंडर्ड इतना बढ़ता है कि शुरू के 4 महीने तो यही तुम लोगों को समझाने में गुजर जाते हैं कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा। 12th में आते आते आप आदी हो जाते हैं उस चीज के। बस इसे कर लो इतना, ये बहुत है। और इसे एज अ टेक्स्ट बुक यूज करो, इसे एज अ टेक्स्ट बुक यूज करो अपनी, इसे एज अ टेक्स्ट बुक यूज करो, एंट्रेंसेस में आसानी होगी। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ कैपेसिटर। शेयरिंग ऑफ कैपेसिटर और कंडक्टर, कि अगर आप कंडक्टर और कैपेसिटर को शेयर करोगे तो क्या होगा, समझिए जरा ढंग से। आपको 2 कैपेसिटर्स दिए, दिस इज कैपेसिटर सी ए, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट्स वी ए। दिस इज सी बी, पोटेंशियल डिफरेंस इज वी बी, ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है।
अब आपको ये कैपेसिटर्स दिए थे, आपने इन कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दिया, इन कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया। तो जब आप कैपेसिटर्स कनेक्ट करोगे तो चार्ज फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज फ्लो करेगा। मान लेते हैं वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, तो जब आपने इन्हें कनेक्ट कर दिया तो कैपेसिटर ए से चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा अप टू कैपेसिटर बी, चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सो चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा कुछ इस डायरेक्शन में, और ये तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों किसी एक कॉमन पोटेंशियल पर ना आ जाए। ये कैपेसिटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपेसिटेंस तो सेम रहेगा, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, चार्ज चेंज हो जाएगा। दोबारा कह रहा हूँ, पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज क्या होगा मुझे नहीं पता। हो सकता है इस पर कुछ चार्ज हो जाए क्यू ए प्राइम, इस पर कुछ चार्ज हो क्यू बी प्राइम, मुझे चार्ज के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ पोटेंशियल सेम होगा। ये कुछ ऐसे समझ सकते हो, मैंने तुम्हें दो कंटेनर्स में लिक्विड दे दिए, इनको कंडक्ट कर दिया आपने, लिक्विड फ्लो करेगा फ्रॉम हायर टू लेवल टू लोअर लेवल, एक में लेवल ज्यादा एक में लेवल कम है, हायर लेवल से लोअर लेवल तक लिक्विड फ्लो करेगा, और लिक्विड तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों कंटेनर्स का लेवल सेम ना हो जाए। जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए तब तक लिक्विड फ्लो करता है। बिल्कुल उसी तरह से यहां पर भी, व्हेन टू कंडक्टर्स और कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल, चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये डायरेक्शन होगा हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस तक, टिल दे एक्वायर सेम पोटेंशियल, टिल दे एक्वायर सेम पोटेंशियल। तो चार्ज तब तक फ्लो करता है हायर से लोअर तक जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो, टिल दे एक्वायर सेम पोटेंशियल। और जब चार्ज फ्लो करेगा ना तो एनर्जी का कुछ पार्ट हीट की फॉर्म में वेस्ट होगा, पार्ट ऑफ एनर्जी इज डिसिपेटेड एज हीट, एनर्जी का एक अच्छा पार्ट होगा जो पार्ट हीट की फॉर्म में डिसिपेट होता चला जाएगा, अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज डिसिपेटेड एज हीट। हमेशा लॉस इन एनर्जी होता है इसे कंपेयर करने के, कनेक्ट करने के बाद। अब यहां पहला काम होता है वो आपसे कहता है कॉमन पोटेंशियल निकालो, पहला काम होगा वो आपसे कहेगा कॉमन पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए। सो कॉमन पोटेंशियल का क्या मतलब है, ये वाला पोटेंशियल वी चाहिए, कॉमन पोटेंशियल के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं, नहीं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आसानी से आ जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा देते हैं। तो इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज को इक्वेट करते हैं, क्यू इनिशियल इज क्यू फाइनल, इनिशियल चार्ज है सी ए वी ए, इस पर चार्ज है सी बी वी बी, इस पर चार्ज है सी ए वी प्लस सी बी वी, यहां से हो जाएगा सी ए वी ए सी बी वी बी, यहां आपने वी कॉमन ले लिया सो दैट इज सी ए प्लस सी बी, तो यहां से आप वी निकाल सकते हैं, वी विल बी सी ए वी ए सी बी वी बी बाय सी ए प्लस सी, ये कॉमन पोटेंशियल वी है, जो सी ए वी ए प्लस सी बी वी बी बाय सी ए प्लस सी बी। चलो इतना लिखो,
फिर देखते हैं एनर्जी में लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताइए मुझे, इतना लिखिए मुझे बताइए अगर एनर्जी इसमें कोई डाउट है तो। नेक्स्ट है लॉस इन एनर्जी देखना है। हाँ कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं आता, फाइबर कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता। इतना हो जाए बताओ मुझे, इसे रब करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। डिसिपेटेड एज हीट, सन ऑफ डिसिपेटेड एज हीट। अब आपको चाहिए लॉस इन एनर्जी, आपको कैलकुलेट करना है लॉस। एनर्जी में लॉस कितना हो रहा है? लॉस इन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, हाँ सनाउल तब भी होगी, कल किया तो था हमने, 50% एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो गई थी। अगर बैटरी से आप चार्ज कर रहे थे तो हमने कल भी किया था कि 50% एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो गई थी। सो एनर्जी में लॉस जो होगा दैट्स इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। ऐसे आप ऐसे लिख सकते हैं, इनिशियल है हाफ सी ए वी ए स्क्वायर, हाफ सी बी वी बी स्क्वायर माइनस, देखो फाइनल एनर्जी क्या होगी, फाइनल एनर्जी इज हाफ सी ए वी स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल वी है, प्लस हाफ सी बी वी स्क्वायर। आप एक काम कर सकते हो, यहां पर हाफ वी स्क्वायर कॉमन ले लो, सी ए प्लस सी बी बच जाएगा, सो इट्स हाफ सी ए वी ए स्क्वायर, हाफ सी बी वी बी स्क्वायर माइनस हाफ वी स्क्वायर कॉमन आ गया और ये बच गया सी ए प्लस सी बी। वी की वैल्यू रख दो, कॉमन कॉमन पोटेंशियल कैलकुलेट किया था हमने अभी लास्ट स्टेप में ही कैलकुलेट किया, तो ये हो गया हाफ सी ए वी ए स्क्वायर प्लस हाफ सी बी वी बी स्क्वायर माइनस हाफ सी ए प्लस सी बी इंटू वी स्क्वायर। वी को आप लिख सकते हो वी इज सी ए वी ए जो लास्ट सेक्शन में ड्राइव किया था, सी बी वी बी बाय सी ए
प्लस सी बी का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये सी ए प्लस सी बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा एनर्जी का, इट्स हाफ सी ए वी ए स्क्वायर, हाफ सी बी वी बी स्क्वायर, माइनस हाफ सी ए प्लस सी बी। तो ये सी ए प्लस सी बी का जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर सी ए प्लस सी बी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ, देखो न्यूमरेटर में तो बचेगा सी ए वी ए प्लस सी बी बी का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में बचा सी ए वी ए प्लस सी बी वी बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी ए प्लस सी बी। तो ये आ गया, देखो यहाँ एलसीएम है ट्वाइस ऑफ सी ए प्लस सी बी, सो ये होगा सी ए वी ए स्क्वायर सी ए प्लस सी बी प्लस इट्स सी बी वी बी स्क्वायर सी ए प्लस सी बी माइनस सी ए वी ए प्लस सी बी वी बी का होल स्क्वायर। स्पेस नहीं है मेरे पास, इसे सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई कीजिए, स्क्वायर ओपन करिए, काफी टर्म्स कैंसिल होंगी, बताइए मुझे फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है। फायदा सिर्फ इतना किया है, यहाँ सी ए प्लस सी बी का होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर सी ए प्लस सी बी से कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम ले लिया, इट्स इस पूरी इक्वेशन में एलसीएम क्या होगा, टू सी ए प्लस सी बी, जब मल्टीप्लाई करोगे दिस इज सी ए वी ए स्क्वायर इंटू सी ए प्लस सी बी, सी बी वी बी स्क्वायर इंटू सी ए प्लस सी बी, इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस सी ए वी ए प्लस सी बी वी बी का होल स्क्वायर, बस एलसीएम लिया है, फायदा और कुछ नहीं करा। इतना सॉल्व कीजिए, मुझे फाइनल रिजल्ट बताइए क्या आ रहा है। हाँ वजह देखो, होल स्क्वायर बन रहा होगा कहीं, देखो इसके आगे अगर किसी से नहीं हो रहा है, इसे जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट्स सी ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर प्लस सी ए सी बी वी ए स्क्वायर प्लस सी ए सी बी वी बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए सी बी वी ए वी बी। डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ सी ए प्लस सी बी, कैंसिलेशन देखो सी ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये लॉस इन एनर्जी बच जाएगा सी ए सी बी वी ए स्क्वायर सी ए सी बी वी बी स्क्वायर टू सी ए सी बी वी ए वी बी,
सो यहाँ पर आप CA CB कॉमन ले जाइए, सो दैट्स VA² VB² माइनस ऑफ 2 VA VB डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ CA प्लस CB. सो चेंज इन एनर्जी इज CA CB बाय ट्वाइस ऑफ CA प्लस CB, ये होगा VA माइनस VB का होल स्क्वायर. सो ये लॉस है, एनर्जी में जो लॉस आएगा वो लॉस इतना है, CACB बाय ट्वाइस ऑफ CACB VA माइनस VB का होल स्क्वायर. दिस इज लॉस इन एनर्जी. सेम रिजल्ट होगा अगर आप दो कंडक्टर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं आएगा. अगर वो आपसे कहता है दो कंडक्टर्स आप कनेक्ट कर रहे हो तब भी यही रिजल्ट है. और जो फर्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक था ना चार्जिंग बाय कंडक्शन, वो यही है बेसिकली. एक बॉडी, चार्ज बॉडी को दूसरे से कनेक्ट कर दो तो चार्ज फ्लो करता है, तब तक पोटेंशियल सेम ना आ जाए, इसी को चार्जिंग बाय कंडक्शन भी कहते हैं. इतना हो गया तो बताओ कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पर. इसे सॉल्व कीजिए, इजी सा क्वेश्चन है, करो जल्दी से इसको. आंसर्स बताओ कितना आ रहा है. सिर्फ दो फैक्ट्स यूज करने हैं कि अगर आपने कंडक्टर्स को कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, चार्ज फ्लो करेगा, और कंडक्टर की सरफेस पर फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. अरे आंसर बताओ, इतनी देर में तो हो जाता है ये. सीधी सीधी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है.
सिग्मा वन बाय सिग्मा टू इज पी बाय ए। अमानत फील्ड का रेशियो कितना है? फील्ड का रेशियो वजाहत का आ रहा है बी बाय ए। धावल, योगेश, अलमास, आंसर्स, बिलाल, फातिमा। ये तुम लोगों की नींद नहीं उड़ती ना अब तक। मुश्तबा, आंसर, रैबर। शुजात साहब कुछ ट्राई करो। तुबा, योगेश, दीपक चेक करो कुछ आया आंसर। धावल, अरे देखो यार सीधी सीधी सी चीज है, दो कंडक्टर्स दिए उसने आपको, इसने आपको दो कंडक्टर्स दिए हैं, कंडक्टर वन एंड कंडक्टर टू। हाँ फैस का सही आ रहा है। यहाँ रेडियस ए, इसका रेडियस बी मान लो, इसे कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करोगे तो कोई चार्ज फ्लो करेगा, मान लो इसकी सरफेस पर क्यू वन आ गया, इसकी सरफेस पर क्यू टू आ गया। यहाँ पोटेंशियल वी वन, यहाँ पोटेंशियल वी टू। तुम्हें पता है अगर तुम कंडक्टर्स को शेयर कर दोगे तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ये जानते हैं आप। अगर आपने दो कंडक्टर्स कनेक्ट कर दिए तो चार्ज फ्लो करता है जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, वी वन इज इक्वल टू वी टू हो जाएगा। वी वन कितना होता है? वी वन इज क्यू वन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। वी टू क्या हो जाएगा? क्यू टू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चला गया, तो यहां से क्यू वन बाय क्यू टू का रेशियो आ गया, इट्स ए बाय बी। इसे फर्स्ट इक्वेशन क्या दो? अगर चार्ज का रेशियो आ गया तुम्हारे पास तो तुम फील्ड का रेशियो निकाल सकते हो। ई वन जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन बाय एप्सिलॉन नॉट। ई टू क्या होता है? सिग्मा टू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कैंसिल हो गया तो फील्ड का रेशियो आ गया सिग्मा वन बाय सिग्मा टू। सिग्मा को लिख सकते हो चार्ज अपॉन एरिया, तो ई वन और ई टू का रेशियो आ जाएगा क्यू वन बाय 4 पाई ए स्क्वायर, क्यू टू बाय 4 पाई बी स्क्वायर। क्यू 4 पाई से 4 पाई चला गया, तो जब आप E1 और E2 का रेशियो लोगे तो ये रेशियो होगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू क्यू वन बाय क्यू टू। इसे टू कह देते हैं, क्यू वन बाय क्यू टू ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, वन को टू में रख दीजिए। सो E1 और E2 का रेशियो आ गया बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्यू वन बाई क्यू टू। क्यू वन बाई क्यू टू की वैल्यू रख दी ए बाई बी, इसको ए बाई बी लिख दिया। ए से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया बी बाय। तो ज्यादातर लोगों का आंसर सही आ रहा था, रेशियो बी बाय ए होगा। इतना लिख लीजिए, फिर एक न्यूमेरिकल और करते हैं जरा। ये तो तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स के लिए था, अक्सर पूछ लेता है। सर अप कर दूं, वी बाय डी से भी कर सकते हैं या नहीं?
नहीं तौहीद यहां से नहीं कर सकते, इज वी बाई डी तब यूज करते हैं जब ई यूनिफॉर्म होता है, बट यहां स्फेयर है, ई यूनिफॉर्म नहीं होगा, ई तो चेंज करेगा। चलिए जी इसे रब करते हैं। एक न्यूमेरिकल और लिख रहा हूं, ये भी स्फेयर्स के ऊपर है, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, इतना समझ में आया तो इसे ट्राई कीजिए। सो टू कंडक्टिंग स्फेयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर ईच हैविंग सेम चार्ज थ्री इंटू 10^-8 कूलम आर केप्ट वेरी फार अपार्ट। भाई हिंट ये है, आइसोलेटेड स्फेयर के कैपेसिटेंस का रिलेशन देखना। सबसे पहला कैपेसिटेंस आइसोलेटेड स्फेयर ही कराया था। नाउ इफ स्फेयर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और क्वेश्चन जरूर नोट कीजिएगा, बाय कंडक्टिंग वायर फाइंड फर्स्ट डायरेक्शन एंड अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, डायरेक्शन एंड अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड सेकेंड, फाइनल पोटेंशियल ऑफ ईच स्फीयर। फाइनल पोटेंशियल ऑफ ईच स्फीयर हाँ, वजाद वो यूज कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए इसे सॉल्व करके दिखाइए मुझे, और सब ट्राई करो, देखो अभी 3 मिनट में हो जाना चाहिए, करो करो ट्राई करो। आप में से कई लोग इंतजार करते हैं कि मैं सॉल्व कर दूं और आप लिख लें, उससे कोई फायदा नहीं है। सच है कि आप सॉल्व ही ना करो, अगर आप ये चाहते हो कि मैं सॉल्व करूं लिख दूं, उससे कोई भला नहीं होगा, भला तभी होगा जब आप कुछ सॉल्व करेंगे।
आया कुछ आंसर? टेन रेज टू द पावर माइनस एट. ओके, ये जोया का आया, अमानत का आया आंसर. ओके, और निकालो. अमानत का आया 3000 वोल्ट. ओके, अमानत की सही है कैलकुलेशन, जोया की भी कैलकुलेशन सही है. देखिए भाई, सुनिए, दो स्फीयर्स हैं, रेडियस 6 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, चार्ज सेम है, बहुत दूर रखा हुआ है आपने. सिक्स सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, चार्जेस सेम है, इस पर भी क्यू और इस पर भी क्यू. वो आपसे कह रहा है जब इन्हें कनेक्ट करें तब चार्ज चाहिए, मतलब कनेक्ट करने से पहले चार्ज क्यू था, कनेक्ट करने के बाद रेडियस तो चेंज नहीं होगा. मान लीजिए कनेक्ट करने के बाद इस क्यू पर भी चार्ज, इस पर Q1 प्राइम आया, इस पर चार्ज Q2 आ गया. मुझे नहीं पता ना कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, लेकिन ये जरूर पता है कनेक्ट करने के बाद दोनों पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा. कनेक्ट करने से पहले पोटेंशियल V1 V2 हो सकता है, ये चार्ज Q1 प्राइम Q2 प्राइम लिख देते हैं, बट कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल सेम हो जाएगा. वो आपसे कहता है कि कितना चार्ज फ्लो कर गया, मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये करके दिखाओ. सो देखिए, पहले स्फेयर के रेडियस को मैं R1 मान लेता हूं, दूसरे स्फेयर के रेडियस को मैं R2 मान लेता हूँ. तो पहले स्फेयर का जो कैपेसिटेंस है दैट्स 4π εr₁, दूसरे का जो कैपेसिटेंस है दैट्स 4π εr₂. और पहले पे जो चार्ज होगा ना कनेक्ट करने के बाद Q1 प्राइम, इसे हम लिख सकते हैं C1V, Q2 प्राइम को लिख सकते हैं C2V. आपको किसी तरह से Q1 प्राइम और Q2 प्राइम चाहिए. इसे Q2 कहते हैं. और आपको पता है Q1 और Q2 इनिशियली दोनों इक्वल हैं, विच इज 3 × 10⁻⁸ कूलम. बाद में चाहे इसमें कुछ करने के लिए ना डायरेक्ट फॉर्मूले भी होते हैं, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो ये चार्जेस, बस मैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव कराना चाह रहा हूँ. Q1 प्राइम आ गया, Q2 प्राइम आ गया. आप ऐसे लिख सकते हो Q1 प्राइम बाय Q2 प्राइम इज C1V बाय C2V. V से V कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको मिल गया Q1 प्राइम बाय Q2 प्राइम इज C1 डिवाइडेड बाय C2. सो क्या क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, चार्ज निकालना है. तो आप ऐसे लिख सकते हो दैट Q1 प्राइम
divided by q2 prime is 4 pi epsilon naught r1 divided by 4 pi epsilon naught r2. ये लिखा था मैंने capacitance isolated sphere का 4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught को cancel कर देगा. So you have q1 prime by q2 prime is r1 और r2 का ratio. That's my first equation. आपको q1 prime और q2 prime चाहिए. दोनों ही unknown है, एक equations तो नहीं आएंगे. लेकिन आपको ये पता है कि q1 prime plus q2 prime, भाई चार्ज का कंजर्वेशन यूज कर सकते हो आप, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. आप यहां कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज कर सकते हैं. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जब आप यूज करेंगे तो q1 prime by q2 prime is इसको करने के बहुत मेथड्स हो सकते हैं. आप पोटेंशियल कैलकुलेट करके भी इसे ला सकते हो, पोटेंशियल कंपेयर करके भी आ जाएगा. तो देखो इनिशियली चार्ज कितना था q1 और इस पे चार्ज था q2, टोटल चार्ज आ गया q1 plus q2, बाद में चार्ज आ गया q1 prime plus q2 prime. तो q1 और q2 वैल्यू रख दीजिए. दिस इज 3 into 10 raised to the power minus 8. 3 into 10 raised to the power minus 8 is q1 prime plus q2 prime. This is 6 into 10 raised to the power minus 8 is q1 prime plus q2 prime. तो यहां से आप q1 prime को चाहो तो लिख सकते हो that your q1 prime is q1 prime is 6 into 10 raised to the power minus 8 minus q2 prime. That is equation number 2. अब आप एक काम करिए, 2 को 1 में रख दीजिए. अब मेरे पास बहुत ज्यादा जगह नहीं है. ऐसा करो कि 2 को आप 2 को 1 में रख दीजिए, 2 को 1 में रख दीजिए. R1 R2 की वैल्यू रखिए और मुझे बताइए यहां से सॉल्व कर Q1 प्राइम और Q2 प्राइम कितना आ रहा है. अभी तक दो ही लोगों के आंसर्स आए थे शायद, एक अमानत का आया था और एक जोया का आया था. बस बाकी लोग करिए कैलकुलेट और मुझे बताइए Q1 प्राइम और Q2 प्राइम कितना होगा. आप इसे याद भी रख सकते हैं लेकिन अब ऐसी कोई चीज है नहीं कि इसे तुम रटो, ये तो डायरेक्टली आ जाएगा, रेशियो से आ जाता है. करिए यहां से कैलकुलेट करके बताइए मुझे q1 प्राइम और q2 प्राइम कितना आ रहा है. ओके जोहेब का भी सही आ रहा है. ठीक है, Q2 prime और Q1 prime सबका आ गया. अब बस ये डिसाइड कर लो कि चार्ज कहां से कहां फ्लो कर गया, 1 से 2 फ्लो कर गया या 2 से 1 फ्लो कर गया. दिस इज कंडक्टर 1 एंड दिस इज कंडक्टर 2. हाँ, देखो ज्यादातर लोगों का आंसर आ गया. जब सब्स्टिट्यूट करोगे ना q1 प्राइम की वैल्यू, सो दिस इज 6 into 10 raised to the power minus 8 minus of q2 prime divided by q2 prime is r1 by r2. वैल्यू रख दीजिए r1 और r2 की, r1 6 से r2 12 है, ये कैंसिल हो जाएगा 1 by 2. एक वेरिएबल है इसमें, तो जब q2 prime solve कर रहे हैं तो q2 prime आ रहा है सबका. हम्म,
तो क्यू टू प्राइम यहाँ सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ये कितना आया था, 4 × 10⁻⁶ -8 कूलम, और Q1 प्राइम आ जाएगा 2 × 10⁻⁸ कूलम। इनिशियली पहले स्फेयर पे चार्ज कितना था, Q1 इतना था, अब कम हो गया, 2 पे भी चार्ज इतना था अब बढ़ गया, मींस चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज स्फेयर। अगर आप थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाओगे तो ऐसे ही होना चाहिए, जो स्फेयर स्मॉल है उसका रेडियस भी कम होगा, रेडियस कम होने का मतलब है पोटेंशियल ज्यादा होगा, और चार्ज हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और जो चार्ज फ्लो कर गया दैट चार्ज इज सिंपली, ऐसे लिख दो Q2 प्राइम माइनस Q2। इनिशियली कितना चार्ज था, फाइनल है 4 × 10⁻⁸, इनिशियली था 3 × 10⁻⁸, ये आ गया 10 × 10⁻⁸। फैज अमान हुआ इतना, अमान हो तुम क्लास में, ये डेल्टा क्यू आ गया 10⁻⁸ नाउ, जो चार्ज फ्लो कर गया। अब इस डेल्टा क्यू के बाद वो आपसे सेकंड पार्ट में कह रहा है पोटेंशियल, भाई पोटेंशियल कैलकुलेट करना आसान काम है, पोटेंशियल क्या होगा, Q1 प्राइम बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, हाँ, या Q2 प्राइम बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, कहीं से भी कैलकुलेट कर लो सेम आएगा, 3000 आ जाएगा। चलो भाई इतना लिख लो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। इतना लिखिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो बस सुन बताओ, अच्छा रेबर देखो, फर्स्ट स्फेयर पर जो स्मॉलर स्फेयर है उस पर पहले चार्ज था 3 × 10⁻⁸, और फर्स्ट स्फेयर पर बाद में चार्ज हो गया 2 × 10⁻⁸, पहले चार्ज था 2 × 10⁻⁸, बाद में हो गया 4 2 इंटू, पहले था ना इतना 3 × 10⁻⁸, बाद में हो गया 2 × 10⁻⁸। तो इसका क्या मतलब है, चार्ज कम हो गया, चार्ज कम होने का क्या मतलब है, स्मॉलर स्फेयर चार्ज लूज कर रहा है। बड़े वाले स्फेयर पे देखो, पहले इतना था बाद में इतना हो गया, मींस बड़ा वाला स्फेयर चार्ज गेन कर रहा है, तो चार्ज कहाँ से ट्रांसफर कर रहा है, फ्रॉम स्मॉलर स्फेयर टू लार्जर स्फेयर, तो चार्ज ट्रांसफर कर रहा है स्मॉल स्फेयर से लार्ज स्फेयर तक, ये ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तबस्सुम V1 V2 इक्वेट क्यों नहीं किया, V1 V2 कब कनेक्ट करने के बाद कह रही हो तबस्सुम, कनेक्ट करने के बाद अगर कह रही हो तो इक्वेट कर कर भी सेम रिजल्ट आता, Q1 प्राइम बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, Q2 प्राइम बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गया, Q1 प्राइम बाय Q2 प्राइम R1 बाय R2, सेम रिजल्ट आ रहा, और कोई खास स्टेप्स में डिफरेंस भी नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। इतना लिख लिया, ऐसे रब कर दूं, चलो नेक्स्ट देखिए। इसी में जो मैंने आपको शेयरिंग ऑफ कैपेसिटर कराया था उसमें मैंने कहा था पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव कनेक्ट कर रहे हैं,
लेकिन अगर वो ऐसा ना करे, आपसे कहे पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, तो कॉमन पोटेंशियल के रिलेशन में थोड़ा चेंज आएगा। सी वन वी वन प्लस था ना पहले, अब सी वन वी वन माइनस हो जाएगा। अब चार्ज ऐड नहीं होगा, चार्ज सब्ट्रैक्ट होगा। सी वन वी वन माइनस सी टू वी टू। एनर्जी में भी चेंज आ जाएगा, ये था ना सी वन सी टू बाय टू सी वन प्लस सी टू। अब वी वन प्लस वी टू नहीं होगा, वी वन माइनस सॉरी वी वन माइनस वी टू था, वी वन प्लस वी टू हो जाएगा। तो अगर ऑपोजिट पोलैरिटीज कनेक्ट कर दी, इससे पहले सेम पोलैरिटीज कनेक्टेड थी, अगर ऑपोजिट पोलैरिटीज कनेक्ट हो गई तो ये चेंजेस आएंगे, ऐड नहीं होंगी चीजें, सब्ट्रैक्ट, साइन रिवर्स हो जाएंगे। इसे लिखिए, कुछ समेरिकल्स देखते हैं इसमें। इतना लिखिए, इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, टू कैपेसिटर्स सी वन एंड सी टू आर चार्ज्ड सेपरेटली टू पोटेंशियल्स 20 वोल्ट एंड 10 वोल्ट। तो एक 10 वोल्ट है, एक 20 वोल्ट है। ऑपोजिट पोलैरिटीज आर कनेक्टेड C1 आपको दिया है 2 माइक्रोफेरेड, C2 आपको दिया है 3 माइक्रोफेरेड। फर्स्ट फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। फाइनल चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर्स। हीट, चलिए तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है। भाई सैटरडे संडे न्यूमेरिकल ज्यादा आप करोगे, बाकी पूरे वीक तो सारा काम मैं ही कर रहा होता हूँ।
चलो वजात का आंसर आया। हीट हीट तबस्सुम हीट। द फर्स्ट पार्ट सबका सेम आ रहा है। कॉमन पोटेंशियल इज सी वन वी वन माइनस सी टू वी टू बाय सी वन प्लस सी टू। सो सी वन इज टू, देखो मैं यूनिट चेंज नहीं कर रहा क्योंकि डिवाइड हो रहा है कैपेसिटेंस, इज टू, वी वन इज 20, सी टू इज 3, वी टू इज 10, divided by C1 plus C2, which is 2 plus 3. 40 minus 30, it's 10 by 5, it's 2 volt. Common potential aa gaya, final charge Q1 aa jayega C1V. So C1 is 2, V is 2, it's 4 microcoulomb. Q2 is C2V, C2 is 3, 2 is 2, it's 6 microcoulomb. Energy ke liye, loss in energy is simply half C1 C2 by C1 plus C2, V1 plus V2 ka square. Same polarity hoti to sirf sign mein difference aata. ये आप यहां से कैलकुलेट करेंगे लॉस इन एनर्जी कितना आ रहा है। इतना हुआ सबका? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो रहा है। फाइनल कितना आया? 10। इनिशियल तुम कैलकुलेट करके देखो, इनिशियल भी 10 होगा। चार्ज तो कंजर्व रहेगा हर हाल में। बस तो ऐड मत कर देना, चार्ज को सब्ट्रैक्ट करना है ना, क्योंकि चार्ज ऐड नहीं हो रहा ना, चार्ज सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर तुम शुरू वाले चार्ज को ऐड कर दोगे तो तुम्हें कंजर्व नहीं दिखेगा, शुरू वाले चार्ज को सब्ट्रैक्ट करना होगा। पोलैरिटीज रिवर्स है इसलिए। चलो भाई ये हो गया सबका, इसको रब करते हैं। अच्छा इसके बाद अब थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हुआ, अब सिर्फ सर्किट्स हैं, डीसी सर्किट्स। डीसी सर्किट्स का मतलब है वो सर्किट्स जिनसे डीसी सोर्स कनेक्टेड है। डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट सोर्स। डायरेक्ट करंट सोर्स का मतलब है वो सर्किट्स जहां से सेल कनेक्टेड है। आपके पास दो तरह के सर्किट्स हैं, एक डीसी सोर्स का, एक एसी सोर्स के सर्किट जहां एसी करंट कनेक्टेड होगा। बट फिलहाल हम जो कुछ भी पढ़ेंगे दैट्स फॉर अ डीसी सोर्स।
तो इसमें आपके पास तीन चार तरह के सर्किट्स हैं। आपके पास है कैपेसिटर्स के सर्किट है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टर का है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन सेल का है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बल्ब का है। ये चार तरह के सर्किट्स, और हाँ बस ये चार तरह के सर्किट्स आपको डीसी में करना है। इनको सॉल्व करने की टेक्निक सेम होती है, तो मैं ये दोनों टाइप के सर्किट्स एक साथ सॉल्व करूंगा। हाँ, वो सर्किट जो कैपेसिटर से बनता है वो रेजिस्टर से भी बन सकता है, तो दोनों तरह के सर्किट्स हम एक साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व किया करेंगे। सो मैं आज तो नहीं शुरू कर रहा, काफी बच्चे हैं नहीं, उसको मंडे से ही स्टार्ट करेंगे। डीसी सर्किट्स मंडे से स्टार्ट करेंगे, और इसमें हम थर्ड चैप्टर का एक मेजर पोर्शन कैपेसिटर के साथ साथ कवर कर लेंगे, क्योंकि एक ही तरह के सर्किट्स होते हैं जो कैपेसिटर और रेजिस्टर से बन सकते हैं, बहुत माइन्यूट चेंज आता है। जब तक आपके पास टाइम है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 सॉल्व करो। कल इवनिंग क्लास है, कल इवनिंग का टाइम है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 सॉल्व करिए, चैप्टर नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी। सैटरडे अमान, रिकॉर्डिंग अगर होगी ना अवेलेबल, तो रिकॉर्डिंग उस ऐप के ऊपर या फिर ये जो यूट्यूब चैनल है लर्नी व्यू आए, नहीं यहाँ रिकॉर्डिंग पड़ी होगी। एडुकरनी कर कर एक एडुकरन आए कर कर एक यूट्यूब चैनल है, उस पर पड़ा होगा, या जो ऐप है बेस्ट ऐप डाउनलोड करो उसमें आ जाएगा। मेरे पास में रिकॉर्डिंग्स नहीं होती है। अच्छा, यूट्यूब पे नहीं है तो अभी अपलोड नहीं हुआ होगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं होती, सारा रिकॉर्ड क्लाउड पर होता है। आप में से कई लोग मुझे मैसेज करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती, रिकॉर्डिंग सारी क्लाउड पे जाती है, फिर वही लोग उसको असेंबल करते हैं ऐप वगैरह में। जीडी सर की नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे, वलीद, वेडनेसडे एंड सैटरडे। अभी क्लासेस उनकी बढ़ेंगी, उनकी कम से कम वीक में 5 क्लासेस होंगी, ताकि सिलेबस हम तेजी से कर लें। शुजाद, ऐड तो है, कितनी बार ऐड करूं? अच्छा,